हेलो पिला माने मधुबाबरे आज गणित श्रेणी को तुम्हारे स्वागत पिला माने पूर्वर आम क्षेत्रफल अध्यायर किछु उपपाद्य करथिले जेपरी कि दुई समांतर सरल रेखा मध्यरे अवस्थित सामुद्रिक क्षेत्र मानकर भूमि समान हेले क्षेत्रफल भी समान हुए। आज आम उपपाद्य पंचतीरिशी पढ़ा कौन दे समान क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज मानकर भूमि समान हेले सेमानकर अनुरूप उच्चता समान बा ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरियाज एंड इक्वल बेस हैव इक्वल करेस्पोंडिंग हाइट। दत्त त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज डीएफ रो क्षेत्रफल दुटा त्रिभुज दिखाई गोटे त्रिभुज एबीसी आ गोटे त्रिभुज डीएफ उभय क्षेत्रफल समान अछि। आउ कोन दत्त अछि दत्त अछि त्रिभुज द्वय समान समान भूमि विशिष्ट अर्थात भूमि बीसी इक्वल टू भूमि ईएफ। भूमि द्वय समान अछि क्षेत्रफल समान अछि ताले कोन प्रमाण करिबा प्रामाण्य त्रिभुज द्वयर उच्चता समान किछि अंकन आवश्यकता अछि कोन अंकन करिबा ना उभय त्रिभुजर शीर्षबिंदु एबीसी त्रिभुजर शीर्षबिंदु ए रु भूमि बीसी प्रति गोटे लंब एम अंकन करा जाउ ठीक से परी डीईएफ त्रिभुजरे शीर्षबिंदु डी रु भूमि ईएफ प्रति डीएन लंब अंकन करा जाउ दुटी लंब अंकन कले बर्तन प्रमाण करिबा कौन दत्त अछि पिले मन पकाओ त्रिभुज द्वार क्षेत्रफल समान अछि भूमि समान अछि उच्चता समान बोली प्रमाण करिबाकु दिया जायछि। दत्त अछि एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू डीईएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल। आउ कौन दत्त अछि दत्त अछि बीसी इक्वल टू ईएफ भूमि द्वय भी समान अछि। अच्छा पिला माने त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र किए कही पार यस त्रिभुजर क्षेत्रफल होला हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता ताले एबीसी त्रिभुजर बर्तन देखिबा एबीसी त्रिभुजरे एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू भूमि भूमि बीसी इंटु उच्चता ए एम ठीक से डीईएफ त्रिभुजर डीईएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटु ईएफ इंटु डीएन हाफ इंटु ईएफ इंटु डीएन। अच्छा पिला माने पूर्वर दिया जाइछि एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू डीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल अर्थात उभय समीकरणर बाम पार्श्व समान अछि जदि बाम पार्श्व समान अछि ताले दक्षिण पार्श्व भी समान रहबो अर्थात आमे जानिले हाफ इंटु बीसी इंटु एम इक्वल टू हाफ इंटु ईएफ इंटु डीएन। लक्ष्य कर पिला माने हाफ इंटु बीसी इंटु एम इक्वल टू हाफ इंटु ईएफ इंटु डीएन पुणी दत्त अच्छे बीसी इक्वल टू ईएफ तेणु बीसी परिवर्तन आम ईएफ लिखिपर उभय बीसी ईएफ सामान हेतु उभय पटु काटिपर ताल कौन पाइले इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू डीएन इटे आ गोटे पद लिखिदे जेहेतु बीसी इज इक्वल टू ईएफ तेणु बीसीएफ काटले हाफ हाफ कट कले एम इक्वल टू डीएन रहा अतः एम किए ना ए बी सी त्रिभुजर उच्चता एम ठीक से डीएन किए डीएफ त्रिभुजर उच्चता डीएन अर्थात उभय त्रिभुजर उच्चता समान जहाँकि प्रमाण करिवार थिला। पिला माने पुणि थरे प्रमाणटी को देखि नबा एम ओ डीएन त्रिभुज एबीसी ओ त्रिभुज डीएफ रो उच्चता एम ओ डीएन दुटा उच्चता दुटा त्रिभुजर
त्रिभुज द्वारे बीसी इक्वल टू ईएफ भूमि द्वारा भी समान अछि। त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ बीसी इंटू एम। ठीक से परे त्रिभुज डीएफ रो क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएन। किंतु त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज डीएफ रो क्षेत्रफल इम्प्लाइज हाफ बीसी इंटू एम इक्वल टू हाफ ईएफ इंटू डीएन। जेहेतु बीसी इक्वल टू ईएफ तेणु एम इक्वल टू डीएन अर्थात त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ रो उच्चता समान। किछि अनुसिद्धांत अछि देखिबा कोन अनुसिद्धांत अछि। समक्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज मानकर उच्चता समान हेले सेमानक भूमि समान दैर्घ्य विशिष्ट हबो। इठे दुटा त्रिभुज दि जाइछि गोटे त्रिभुज एबीसी आउ गोटे त्रिभुज पिले डीएफ। दत्त अछि एबीसी त्रिभुज ओ डीएफ त्रिभुज र क्षेत्रफल समान। आउ कौन दत्त अछि उभय त्रिभुजर उच्चता समान अर्थात एम इज इक्वल टू बीएन। ताले कौन प्रमाण करिबा क्षेत्रफल समान अछि उच्चता समान अछि भूमि समान बोली प्रमाण करिबा। प्रमाण एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू एम। सेहीपरि डीईएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता। प्रथम त्रिभुज एबीसी तार क्षेत्रफल होला हाफ इंटू बीसी इंटू एम। ठीक से परे द्वितीय त्रिभुज डीएफ तार क्षेत्रफल होला हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएन। उभय त्रिभुजर क्षेत्रफल समान अछि अतएव उभय समीकरण बाम पार्श्व समान अतएव दक्षिण पार्श्व भी समान हबो। इम्प्लाइज हाफ इंटू बीसी इंटू एम इक्वल टू हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएन। दत्त अछि एएम इक्वल टू डीएन। उभय पटु एम आउ डीएन मु कट कली जेहेतु दत्त अछि एएम इक्वल टू डीएन। ताले के रहला उभय पटु हाफ कटला उभय पटु एम आउ डीएन उभय समान काटि देली आसला बीसी इक्वल टू ईएफ जहाँकि प्रमाण करिवार थिला अर्थात उभय त्रिभुजर क्षेत्रफल समान ओ उच्चता समान हेले भूमि भी समान हबो। प्रमाणटिकु पुणि थर देखि नबा एम ओ डीएन त्रिभुज एबीसी ओ त्रिभुज डीएफ रो उच्चता त्रिभुज एबीसी ओ त्रिभुज डीएफ दुईटी त्रिभुज एम एबीसी त्रिभुजर बीसी प्रति उच्चता ओ डीईएफ त्रिभुजर ईएफ भूमि प्रति उच्चता। त्रिभुज द्वारे एम इक्वल टू डीएन उभय उच्चता समान अछि उभयर क्षेत्रफल भी समान अछि। त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज डीएफ रो क्षेत्रफल आमे जानु त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू एम। ठीक से परे त्रिभुज डीएफ रो क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ईएफ इंटू डीएन। उभयर क्षेत्रफल समान इम्प्लाइज हाफ बीसी इंटू एम इक्वल टू हाफ ईएफ इंटू डीएन। ताहले बीसी इक्वल टू ईएफ जेहेतु एम इक्वल टू डीएन उभय पार्श्वर आम काटिदेले ताहले आम पाइले बीसी इक्वल टू ईएफ अतएव उभय त्रिभुजर भूमि समान जहाँकि प्रमाण करिवार थिला। ପିଲାମାନେ ଉପବାଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିଏ କଲେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏହାର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଓ ଜେଡ଼
यथाक्रमे त्रिभुजर बाहूमानक प्रति लंब। प्रमाण कर जे ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड इक्वल टू त्रिभुजर उच्चता। दत्त ए बी सी त्रिभुजरे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड यथाक्रमे ए बी बी सी ओ सी प्रति लंब। ओ एक्स ए बी प्रतिलंब, ठीक सेपरि ओ वाई बी सी प्रतिलंब ओ ओ जेड ए सी प्रतिलंब। त्रिभुजर बी सी प्रति आउ एक लंब एके जहाँकि त्रिभुजर लंब, बी सी प्रति ए बिंदु अंकित लंब एके। प्रामाण्य ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड इक्वल टू ए के, अर्थात ओ एक्स ओ वाई ओ जेड्र समष्टि एके सहित सामान हे। अंकन एओ बीओ सीओ अंकन करा जाऊ। एठे एओ बीओ सीओ अंकन करा जाइछि। वर्तमान आम पाखरे तीनोटी त्रिभुज रे आकु मु भाग कर दिछि। कोन कोन देख पिला माने एबीसी त्रिभुज को वर्तमान मु तीनोटी पार्ट रे भाग कर देली। गोटे हला ए ओ बी त्रिभुज, तेणु एबीसी त्रिभुज रो क्षेत्रफल इक्वल टू ए ओ बी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस ए ओ सी त्रिभुजर क्षेत्रफल। अच्छा पिला माने त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र आम जाने हाफ इंटु भूमि इंटु उच्चता। तेल ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कौन हम हाफ इंटु बी सी इंटु एके इक्वल टू ए ओ बी त्रिभुजर क्षेत्रफल। ए ओ बी त्रिभुजर क्षेत्रफल हाफ इंटु ए बी इंटु ओ एक्स सेपरी बी ओ सी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटु बी सी इंटु ओ वाई, ठीक सेपरी ए ओ सी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटु ए सी इंटु ओ जेड। जेहेतु समबाहु त्रिभुज तेणु त्रिभुजर तीनोटी जगह बाहू समान, अर्थात ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तेणु ता परिवर्ते मु लेखिपरि हाफ इंटु बी सी। त्रिभुजर तीनोटी जगह बाहू ए बी बी सी ओ ए सी समान, तेणु ए बी परिवर्ते बी सी, बी सी जगह भी बी सी, ए सी जगह भी मु बी सी लिखिली। इंटु उभय त्रिभुजर तीनोटी त्रिभुजर उच्चता त्रय यहीपरि मु सजेई लिखिदेली, जहाँफल आम पाइले हाफ इंटु बी सी इंटु ए के इक्वल टू हाफ इंटु बी सी इंटु ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड, जोटि की बी सी आमर कमन आसला। लक्ष्य कर कौन पाइले एके इक्वल टू ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड, अर्थात त्रिभुजर उच्चता सह यही उच्चता गुड़िकर दैर्घ्य समान, जहाँकि प्रमाण करने को। अच्छा पिला माने आउ किछि प्रश्न देखिबा। त्रिभुज एबीसी रे बीसी ओ एसी बाहुर दैर्घ्य यथाक्रमे 16 सेमी ओ 12 सेमी, ए रु बीसी उपरे पतित लंबर दैर्घ्य 9 सेमी। त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल निर्णय कर एवं बी रु एसी उपरे पतित लंबर दैर्घ्य निर्णय कर। देखिबा एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुजर बीसी दिछि 16 सेमी, एसी दिछि 12 सेमी, एडी दिछि 9 सेमी। ताले कौन अच्छी प्रथम प्रश्न त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल निरूपण कर। कही पारिबो पिला माने त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कौन, ठीक कहिछ हाफ इंटु भूमि इंटु उच्चता। ताले एठे हाफ इंटु भूमि बीसी उच्चता एडी,
इक्वल टू हाफ इंटु बी सी दैर्घ्य 16 सेमी इंटु एडी दैर्घ्य 9 सेमी इक्वल टू 72 बा 72 वर्ग सेमी। सेहीपर द्वितीय प्रश्न को देखा बी रु एसी उपरे पतित लंबर दैर्घ्य निरूपण कर। बी रु एसी उपरे लंब अंकन कराई बीएक्स बीएक्स लंबर दैर्घ्य केते हबो केमिति जानिबा। अच्छा पिला माने वर्तमान देखिले एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू 72 सेमी। जदि सेही एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल आमे भूमि को एसी नै करिबा ताहाले भी क्षेत्रफल सेही 72 सेमी हबो। ताहाले केते हबो ना हाफ इनटू एसी इनटू बीएक्स इक्वल टू 72 वर्ग सेमी इम्प्लाइज हाफ इंटु एसी दैर्घ्य तो अच्छी 12 सेमी इंटु बीएक्स इक्वल टू 72 वर्ग सेमी। इम्प्लाइज बीएक्स इक्वल टू 72 बाय 6 इक्वल टू 12 सेमी। ताहले बीएक्स रो दैर्घ्य 12 सेमी। पिला माने उपपाद्य पढ़ले अनुच्छेद पढ़ले किसी प्रश्नर समाधान भी कले। ताहले कौन शिखिले आज आम कौन शिखिले समान क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज मानक भूमि समान हेले उच्चता मध्य समान हबो। सेहीपरी समान क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज मानक उच्चता समान हेले भूमि मध्य समान हबो। आज भाई इतनी। थैंक यू। बाय बाय।